जोहार, स्वागत है आपमन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपमन संग तृप्ति सोनी। आज गोठ करबो टीटी अभ्यर्थी मन बर। कबर के छत्तीसगढ़ में राज्य बने के बाद ले 7 घाव ही टीटी के परीक्षा हुई है। एकर सेती का भूरा हो गए, ये सवाल एकर सेती उठे थे काबर के टीटी में लापरवाही आगू आए हैं। छत्तीसगढ़ में 23 जून के टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई। 4,85,000 अभ्यर्थी परीक्षा देवाए हैं। टीईटी पास करे के बाद शिक्षक बने में पात्रता हासिल हो जाते, ये पात्रता के बड़े मोल है। लेकिन परीक्षाओं पर सवाल उठना शुरू हो गए है। सवाल उठे थे कि अभ्यर्थी मन ये सवाल ला उठाते हैं जेकर ठोस कारण है। ये लेटर आप ला दिखा थन जिन कॉलेज हा व्यापम ला लिखे है, लेटर लिखे है कॉलेज हा जिन भखारा के कॉलेज है जिन सेंटर रही से, वो लिख के बताए है कि टीईटी के दूसर पाली के परीक्षा में 400 लेकर रही, लेकिन ओएमआर सीट 160 ही मिले रही। 1.5 घंटा बाद बाकी ओएमआर सीट लाइस। और एक लेटर हाथ ले लिखाए हवा जेमा अभ्यर्थी मन कलेक्टर ला लिखे हैं, आपत्ति करे हैं कि परीक्षा में बेरा नहीं देगीस, लापरवाही हुए है, जेमा केंद्र अध्यक्ष के साइन और सील घलो लगे है। ये अकेला लापरवाही नहीं है। एक पेपर में तो गद्यांश ला बाद में लिखे ना सवाल पहली छाप दें, तलैका मन भोरहा में पड़ गए, ओगर ऊपर घलो सवाल उठा थे। लेकिन भखारा में का हुईस ये पहली आपला सुनाथन के जिन अभ्यर्थी मन है तेन बता थे कि कैसे देरी हुई सो बाद ना बेरा घलो नहीं देगी। अब मांग उठा थे कि बोनस अंक दे जाए नहीं तो पूरा टीईटी रद्द करे जाए। नीट यूजी गड़बड़ी का मामला अभी थमा ही नहीं है, देश भर में हंगामे हो रहा है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के व्यापम में भी एक बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है। सीजीटीईटी का एग्जाम 23 जून को हुआ है और धमतरी जिले में एक लापरवाही निकल के सामने आई है। ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ व्यापम पहुंचे हुए थे, कुछ मांगे हैं इनकी और इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की लापरवाही सामने आई है, क्या हुआ था। सर 23 को एग्जाम था सीजीटेट का और हमको सेंटर मिला था महर्षि वेद व्यास स्नोत्तर महाविद्यालय भखारा, जो कि हमको ओएमआर सीट पहले से दिया जाता है 15 मिनट, मतलब 2 बजे हमको ओएमआर सीट मिल जाती है, ना कि हमको 2 बजे नहीं मिली है, ओएमआर सीट 3:30 को मिली है और क्वेश्चन पेपर भी हमको 2:30 बजे मिली है सर। तो पूरे पूरे 1.5 घंटे की लेट हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग, अब क्या करेंगे? हमें उचित न्याय मिलना चाहिए सर, हम लोगों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि आगामी वर्षों में टीचर भर्ती होना है तो टीचर भर्ती में पात्रता के लिए पात्रता परीक्षा पास होना तो जरूरी है। तो हम लोग समय के अभाव में अपना क्वेश्चन पेपर सही ढंग से हल नहीं कर पाए, तो हम लोगों का भविष्य का सवाल है और हम लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए। यहाँ आए थे, व्यापम आए थे, क्या बातचीत हुई है अफसरों से? अभी तो नहीं मिले हैं, मतलब आवेदन दिए हैं यहाँ पे, बात किसी से नहीं हुआ है अभी। हाँ, अब किस तरह का फैसला, क्या कोर्ट की ओर रुख करेंगे आप लोग या क्या करेंगे? अभी अब समूह में फैसला लेंगे हम लोग, आगे क्या करने हैं हमको, उसके बाद आगे जो भी होगा हम बाद में बताएंगे। कितने स्टूडेंट थे सेंटर में? सर 400 स्टूडेंट थे, उसमें से हमको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए नियम के अनुसार। पहले तो बोला गया था कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, बट हमको जैसे ही टाइम हुआ है ना 4:45 हुआ, हमसे पेपर ले लिया गया सर, तो हम तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाए ना, देख भी नहीं पाए। तो ये केवल आप ही लोगों के सेंटर में हुआ है या पूरे प्रदेश में इस तरह की? सर हमारे सेंटर का ही हमको पता है, बाकी सेंटर का हमको नहीं पता है सर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 400 स्टूडेंट्स उस परीक्षा में भखारा जहां सेंटर लगा हुआ था वहां करीब 400 स्टूडेंट्स थे जहां लापरवाही निकल के सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले के बाद व्यापम किस तरह का फैसला लेती है। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और आवो चर्चा के शुरुआत करथन, हमारे संग पहुना मन जोड़ गए हैं नागेंद्र दुबे जी, करियर काउंसलर हैं और लिखत पढ़त रही थे। आज बताही कि कैसे अभ्यर्थी मन के जिन मेहनत होते उकर कतका मान होना चाहिए। बहुत स्वागत जोहार आपका नागेंद्र जी। राजीव गुप्ता जी शिक्षक हमार संग में जुड़ी थोकिन देर बाद, ओम प्रकाश साहू डीएलएड अभ्यर्थी हमार संग में जुड़ गए हैं जिन टीईटी पास कर चुके हैं। पहले सवाल मैं ओम प्रकाश ले कर लेता हूँ। ओम प्रकाश, टीईटी पास करे आपला कतका बेरा हो है और टीईटी के परीक्षा में जिन अभी अभ्यर्थी मन ला आप सुनत हो कि कैसे ओएमआर शीट बाद में आई, प्रश्न पत्र पहली मिल गई रही से, तो एकर से वो अभ्यर्थी मन ऊपर का असर पड़ी या रिजल्ट में कत का फर्क पड़ सकते है? सबसे पहली जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
जो भी युवा के साथ जो अन्याय होते वाला अपन पक्ष रखे के मौका यहाँ चैनल के माध्यम से मौका मिला थे, तो एक लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और जो टीईटी के मामला सामने आए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले दो बार से टीईटी जो है क्लियर कर चुके हूँ और ये बार भी मैं टीईटी में बैठे रहा हूँ। कहे कि जो मुद्दा भी निकल कर के आया है वो बहुत गंभीर है, पूरे राज्य के लिए ये बहुत सोचनीय मुद्दे हैं। और जो वर्तमान सरकार है, साया सरकार है, ये लगातार युवा के भरोसा लग खोज जाते हैं। तो चाहे वो छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के जो मामला बीएटीएट को विवाद चलत रहे सोखल लिए हो, या 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए हो, जो सदन में खड़ा होकर के एक वरिष्ठ मंत्री सबके सामने बोलते कि 33,000 शिक्षक भर्ती ला था और ओखर कोई अता पता नहीं है। ओखर बाद टीईटी के पेपर होते और टीईटी के पेपर में इस तरह की लापरवाही जिनमें लगभग 400 जो स्टूडेंट थे ओखर भविष्य से खिलवाड़ करना, ये बहुत भविष्य छात्र के भविष्य जो है असर पड़ी है। मैं कहे कि एक सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ी है वह जो आगामी शिक्षक भर्ती है, चाहे वो 33,000 की हो या जितना भी सरकार अगर लेके आते उखर से रिलेटेड है, तो मैं जरूर ही एक इफेक्ट जो है पड़ी और उमला अपन मौका जो है यहाँ वो हो सकत है। तो सरकार ने एमा सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो भी पक्ष है वोला सुनना चाहिए। ठीक है, अपक्ष तो गे रही से स्टूडेंट मन हा गे रही ने व्यापम भी गे है, मंत्री मुख्यमंत्री का ना घलो गे है। नागेंद्र जी, आप ऐसे मामला ला कैसे देखता हो कि केंद्र ला तो पता होना चाहिए ना, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र गिन के आते तो ओएमआर शीट में कहाँ कमी हो। और ऐसे और ये एक मामला नहीं है, एक तो प्रश्न पत्र लेके घलो है कि गद्यांश बाद में रही से ओकर पहली सवाल हो गई रही से, तो ओएमआर शीट हो सकते भोरा पड़ जाते लेकर मन भर देते, कहाँ पे चूक होते। देखिए, इसमें जो परीक्षा लेते हैं, लेने वाले हैं, व्यापम हैं, उसके नियंत्रक हैं या जो अन्य इस व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, ये सीधे सीधे जिम्मेदारी उनकी है। क्योंकि जिस दिन सेंटर बनाया गया भखारा को या जिस महाविद्यालय में आप बात कर रही हैं जहाँ पे हमारी सीट खाली कम मिली, तो उस दिन तो तय था, सारी चीज़ें पता थी, कितने बच्चे यहाँ बैठेंगे, परीक्षा का दिनांक भी पता था, समय भी पता था। जो जिस तरह से लापरवाही हुई, जैसा मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा, अखबारों में पढ़ा, काफ़ी बच्चे काफ़ी देर से उनको मिली और एक उनको समय का जो अभाव रहा वो पूरा कैसे, जो समय को किस तरह से समायोजित करेंगे, या आपके व्यापम के जो लोग हैं या सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। एक बच्चा जितने भी अभी समाज में हम लोग हैं वर्तमान में, चाहे व्यापम के प्रमुख हों या प्रदेश के मुखिया हों या कोई अन्य मंत्री हो, सभी के जीवन में शिक्षकों का महत्वपूर्ण रोल है और इसीलिए व्यवस्था बनाई गई कि शिक्षक अगर बनना है तो कोई एक बढ़िया ढंग से आप तैयारी करिए और एक टीटी नामक परीक्षा पास करिए, उसके बाद आप शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उस तैयारी को करने में लोग सालों साल लगा सकते हैं। अभी एक अभ्यर्थी के मैं सुन रहा था कि पिछले साल भी दिए थे, इस साल भी दिए, तो ये तैयारी देखिए कि सालों साल बच्चे करते हैं और एक उम्मीद लेके परीक्षा केंद्र में जाते हैं और अगर उनको एक घंटा और डेढ़ घंटा देरी से मिले या कुछ बच्चों को मिले ही ना या समय ना मिले, तो इसमें समझने वाली बात है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी या किस तरह से वो रिएक्ट कर पा रहे होंगे। ये व्यापम तक आ गए, धरना प्रदर्शन कर लेंगे, कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन ये जो समय जाएगा, इस समय जो उनकी स्थिति है उनके पूरे, क्योंकि एक हमारा समाज जो है, समाज एक परिवार के रूप में रहते हैं, सिर्फ एक के ऊपर असर नहीं पड़ता, एक उस पूरे परिवार पे अभी उनकी क्या स्थिति रही होगी, पूरे परिवार में पूरा एक अवस्था फैल जाती है। मैं समझता हूँ जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह भी वैसे तो आप छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी परीक्षाओं का पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि कोई परीक्षा प्रॉपर ढंग से, और मैं ये समझता हूँ अगर मैं चूक नहीं कर रहा हूँ, जो व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, उसके बाद से जो पूरे प्रदेश में देश में एक व्यवस्था चली आई कि हर परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संबंधित परीक्षा का जो एक जिम्मेदार संस्थान है वो नहीं करवा पा रहा है, तो इसके लिए मेरा एक ये कहना है कि सरकारों को या सरकार को बड़े ही गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि जो परीक्षा हम अलाउंस करें, जो परीक्षार्थी से हम लें, उसको जब परीक्षा, आपको परीक्षा लेना, परीक्षा देना नहीं है,
देखिए, परीक्षा देना और परीक्षा लेने में दोनों में बहुत अंतर है। जब आप परीक्षा ले नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो परीक्षा जो देने वाला उसकी क्या किस मना स्थिति में उसको ले जा रहे हैं, और पूरे परिवार में उसका असर पड़ता है, ना कि एक परीक्षार्थी। बिल्कुल। अब एक एक छोटे से उदाहरण से समझे जा सके थे ना, हम भी परीक्षा देवात आए हैं अभी तक से, तो जब भी परीक्षा देवाए तो प्रश्न पत्र पहली आए, प्रश्न पत्र पढ़ लेन हमन, लेकिन सबसे ज्यादा अगोरा रहे तो आंसर शीट के, आंसर शीट आई तो लिखे शुरू करबो, ये एक मन में साइकोलॉजिकल एक धारणा बनी रही थी कि हाँ आंसर शीट के इंतजार, आंसर शीट के इंतजार। अब जब डेढ़ डेढ़ घंटा लो मतलब पता ही नहीं कि ओएमआर शीट आत नहीं है, तो वो मेंटल प्रेशर कैसना हो। तो ही मैं एक बार फिर ओम प्रकाश से समझता हूँ। ओम प्रकाश, जिन भखारा के अभ्यर्थी मन है उमन डेढ़ डेढ़ घंटा तक ले अगोरा तहीन ओएमआर शीट ला, ये बीच में एक परीक्षार्थी के मन में का चलते, जिन हमेशा परीक्षा देवाते सोचते कि छोटे मोटे सरकारी नौकरी मोला मिल जाही, मैं मेहनत करता हूँ। अभी एक एक कल्पना करके देखो कि परीक्षा में बैठे है और आंसर भरे भर कोनो विकल्प नहीं मिल पाते, कोनो पता है आंसर लेकिन फिर बेरा नहीं मिल पाई बाद में। निश्चित ही ये सबसे पीड़ादायक समय रही। अगर एक स्टूडेंट पेपर में बैठे है, ओकर पास प्रश्न पत्र है, और ओला अगर अपन आंसर करे के मौका नहीं मिल पाते, तो ओकर लिए ओकर सबसे बड़े विडम्बना के बात है। काहे कि यह डायरेक्टली ओकर भविष्य से जुड़े है, ओकर नौकरी से जुड़े है, आने वाला समय में व्यापम के द्वारा जो है भर्ती आना है, शिक्षक भर्ती में, तो एकर प्रभाव कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली के साथ साथ एक जो मौका मिलत है वह छूटे के भी रहते, भविष्य बर्बाद होए के भी डर है। तो साइकोलॉजिकली जो है जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाही, और उला अपन हाथ में अपन भविष्य बिगाड़ा था, ऐसे मौका जो है वहाँ पर फील हुई। तो ये सरकार ने ये सब में बहुत ज़्यादा कड़ाई के साथ में छानबीन करना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, जो वहाँ के जो संस्था प्रभारी मन है, उखर खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कहे कि ये सीधा सीधा 400 जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य के सवाल है, तो ये में कड़ी कार्यवाही करना चाहिए सरकार ने। ठीक है नागेंद्र जी, एक एक चिट्ठी रही से जिन भखारा के जिन कॉलेज है जो सेंटर रही से, वो व्यापम ला लिखे नियंत्रक ला चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में लिखे रही है कि हमला अतका प्रश्न पत्र मिले रही से और 160 बस ओएमआर शीट रही से। हम फोन करें धमतरी ला, जहाँ जो सूचना के नियंत्रक के ही अंदर में रही थे, फोन करे हैं तन व्यापम नया रायपुर में घलो फोन करके जानकारी दे हैं। डेढ़ घंटा बाद आंसर शीट आईस, अभ्यर्थी मन मांग करें के दे दो औ बेरा दे दो हमला, लेकिन व्यापम ले फोन करके फिर नवा रायपुर में पूछिन केंद्र के प्रभारी मन वहाँ के, तब बोले इसके बेरा मत दो। तो व्यापम ऊपर भी तो सवाल खड़े होते ना कि वो तुरंत बेरा में कबर फैसला नहीं ले पाई। निश्चित तौर से इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तो व्यापम की ही है, व्यापम में बैठे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी है जी। एक समय सीमा रहती है हर एक परीक्षार्थी को दी जाती है, और उस परीक्षार्थी में अगर हमारे परीक्षा नियंत्रक के तरफ से या परीक्षा लेने वाले की तरफ से कोई त्रुटि हो रही है, तो उसको भरपाई करना, समय की हो या अन्य कोई भी चीज़ की भरपाई करना, ये जिम्मेदारी व्यापम की होती है। जिस तरह से जो आपने बताया वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ा कि उन लोगों ने धमतरी के जो संबंधित अधिकारी थे व्यापम के रायपुर के अधिकारियों से पूछा, तो बोले नहीं समय नहीं दिया जाएगा। सवाल यह है कि जिन बच्चों को समय पे आपने आंसर सीट ओएमआर सीट नहीं दिया और उसको आपने समय के लेना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए किस तरह से क्या भरपाई होगी? क्योंकि आपको समय पे देना और समय पे लेना ये एकदम व्यवस्थित ठीक है, कानूनन है, नियम अनुसार है, लेकिन जब आप समय से दे नहीं पा रहे हैं तो फिर उसके लिए आपके तरफ से क्या व्यवस्था होगी? ये व्यापम के अधिकारियों को तुरंत जवाब देना चाहिए, और उन जो बच्चे छूटे हैं जिन बच्चों को पूरी परीक्षा का समय नहीं मिल पाया उनके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार व्यापम के अधिकारी लोग हैं। बिल्कुल। अब जब अगर करियर काउंसलर के तौर में या एक परीक्षा ये व्यवस्था अगर आप देखे हो नागेंद्र जी, तो कहाँ चूक हो इसे, कहाँ व्यवस्था ठीक होना चाहिए? पता नहीं रही इसके 400 परीक्षार्थी है, ये तो पहले तय हो गई हुई, आनंद फानंद में तो टीईटी की परीक्षा नहीं हुई हुई। देखिए इसको मैं घनघोर लापरवाही बोलूंगा, और इसमें जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को
कर सकती है सरकार उतना करना चाहिए, क्योंकि समस्या ये कि ये कुछ 400 बच्चों का 150 बच्चों का नहीं है, ये लगातार समस्या देखी जा रही है। जिनको जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, जिनको मंथली सरकार के द्वारा पे दिया जाता है, आम जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह दी जाती है, उनका पूरा परिवार चलता है, सरकार अगर इन लोगों को छोड़ देगी या लापरवाही को स्वीकार कर ली जाएगी, फिर से लीपापोती कर दी जाएगी, तो समझिए आने वाले समय में ये एक परंपरा के रूप में लिया जाएगा कि लापरवाही करते जाइए और अपने आप को बचाते जाइए। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो भी क्रियाकलाप या सीधा सीधा लापरवाही, मैं कहूंगा कि लापरवाही है, आप 4 महीना 6 महीना पहले आपको पता चल जाता है कि किस सेंटर में कितने बच्चे बैठेंगे, तो आंसर शीट और पेपर भिजवाना आपकी जिम्मेदारी है, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई अधिकारी कर्मचारी इस तरह की लापरवाही बरतने में 100 बार विचार करे। बिल्कुल, कवर के लड़का मन के भविष्य ले जुड़े सवाल है। ओम प्रकाश, आप बताओ कि आप खुद ये वाले परीक्षा ले देवाए हो टीटी रा, आप जैन अभ्यर्थी जिन 400 अभ्यर्थी भकारा के सेंटर के है, ओमन कहा थे कि हमला बोनस अंक दो, कवर के बेरा नहीं मिली, हमला डबल डबल पहली बोल दी, इसके क्वेश्चन पेपर में ही टिक लगा लगा के रखो, ओएमआर शीट आई तब भर लू, ऐसा कहीं नहीं हुआ केंद्र के जिन वहां केंद्र में जिन टीचर मन रही नहीं या जिन निरीक्षण करे तीन मन हा, लेकिन अब जब 4,85,000 मन देवाए हैं टीटी और ये 400 संग अन्याय होए है, तो एमन काबर नहीं मांग उठाई के रद्द कर दो पूरा के पूरा ला, का विकल्प हो सकत है, अभ्यर्थी मन के बीच से ही कोनो सुझाव आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 400 जो अभ्यर्थी है उखर लिए तो सबसे पहली व्यवस्था करना रही इसके उमला एक पर्याप्त समय देना रही, जितना समय के लॉस हुए रही से, जैसे कि केंद्र की अभी जितना भी परीक्षा व्यवस्था है उमा अगर समय के लॉस होते उमला प्रॉपर समय दिए जाते, तो ऐसे व्यवस्था यहाँ भी करना रही, और अगर इसना व्यवस्था नहीं कर पाई तो जैसे कि बोलत रही इसके केंद्र में कि आप लोग अभी बुकलेट में आप टिक कर लो, उखर बाद फिर आप जब ओएमआर सीट मिली तो वहाँ भर ले होकर के, ये बिल्कुल ही गलत बातें कहा है कि हर स्टूडेंट के हर विद्यार्थी के हर अभ्यर्थी के एक अलग तरीका रही थे, कोई अभ्यर्थी 4 क्वेश्चन सही टिक करे के बाद वो पहली फिल कर लेते उखर बाद फिर आगे बढ़ते, तो ये अपन अपन तरीका रही थे हर अभ्यर्थी के, तो ये उखर मौलिकता के खिलाफ है, बोला तो पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर समय नहीं दिए गई और बोनस अंक की मांग कर रहे थे तो बिल्कुल सरकार ला एक भी व्यवस्था करना चाहिए, अगर संभव हो ऐसे कोई नियम में है और अगर संभावना बन सकते बिल्कुल जितना प्रभावित स्टूडेंट है वाला बोनस अंक दिया जाए। बात रही इसकी अगर भर्ती प्रक्रिया ला ये जो पेपर हो है TAT के पेपर हो है इला रद्द कर दिया जाए, कहे कि आने वाले जो भर्ती हो हमारे घर डायरेक्ट प्रभावित पड़ ही करके, तो जहां तक मोर मानना है कि 4 लाख स्टूडेंट के जो मानसिक भावनाएं जो जुड़े है कहीं ना कहीं अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द होते तो उखर मानसिकता के खिलाफ भी ये जा सकते हैं, तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जो भी सेंटर जैसे कि भाखरा के सेंटर से समस्या आए है कि वहां के समय में ओएमआर सीट नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो जो सेंटर प्रभावित हुए हैं अभी तक तो केवल एक ही सेंटर के ऐसे समस्या सामने आए हैं, तो सेंटर में एक ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि वहां एक फिर से पेपर की व्यवस्था करा दिया जाए, पेपर करा दिया जाए, ये समस्या केवल पेपर 2 में हुई रही से जो 6वीं से लेकर के 8वीं तक के लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं 6वीं से लेकर के 8वीं तक के जिन सेंटर इधर से प्रभावित हुए वहां के लिए कहीं ना कहीं इसके लिए दोबारा जो पेपर कराए की व्यवस्था सरकार कर सकते है और उखर समस्या ला सुलझा सकते है, तो एक अभ्यर्थी के तौर पर मैं यही चाहूँ कि जो जो गद्यांश वाले मामला हुए है कि प्रश्न पहली पूछ ली ना गद्यांश बाद में लिखे रही से जी, ये कोई बड़े समस्या तो नहीं है, हालांकि एमा भी लापरवाही हुए है कि जो प्रश्न पहली लिखा गया होला बाद में देना रही से गद्यांश आए के बाद, तो सॉल्व करे में कहीं ना कहीं समस्या होते हैं, तो खाली भी व्यवस्था कर सके थे सरकार है, जो भी सेट में सब सेट में तो शायद दे रही से जहां तक मोला पता है एक तो सेट में सही रही से बाकी मां ऊपर नीचे रही से, A और D तो जो जो सेट में हाँ जी ए सेट और डी सेट में रही से 2 क्वेश्चन लगभग ऊपर नीचे रही से, तो वहाँ बोनस अंक की व्यवस्था करे जा सके सरकार ला बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी पेपर के लिए व्यवस्था अरेंज करे है वो संस्था ला व्यापम ला ऊपर ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जी, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सवाल नागेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे लूं मैं, लेकिन सवाल कबर बताओ, एक परीक्षा ढंग ले हो नहीं सके का, 5वीं के बोर्ड हमन देवाए रहे ना तो डर डर के हाँ बहुत एकदम निगरानी से हर एक चीज चेक कर जाते, तो का बेरा बदल गए है या फिर वो गंभीरता नहीं रहे है, एक ठन परीक्षा ढंग ले नहीं हो पाते, इसमें गंभीरता ही महत्वपूर्ण चीज है दीप्ति जी, क्योंकि
जो एक सर्विस में आ गए हैं, जिनको कुर्सी मिल गई है, उनको एक तो दूसरे की भावना को समझने का एक जो मानवीय गुण है उसकी मैं कमी महसूस करता हूं कि जो एक बार जिम्मेदार पद में आ गए हैं बाकी लोगों के दर्द को महसूस नहीं करते कि वो बच्चे किस दर्द में हैं, किस तरह से परीक्षा ली जाए कि उनको तकलीफ ना हो। दूसरा, जो आज के तारीख में इतना हम टेक्निकली साउंड हो चुके हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या को हम मिनटों में हल कर लेते हैं, लेकिन ये सरकारी तंत्र जो है, जितने भी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उनके वजह से, गद्द वाली भी जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये कितनी छोटी सी बात है। ये प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज को देखे तो कोई समस्या नहीं आती, हाँ। जबकि वो सैलरी भी कम देते हैं और काम भी ज्यादा लेते हैं। मतलब तो मैं समझ, सरकारी जो एक जब सरकारी नाम लग जाता नौकरी में, हाँ। और हमारे समाज में ये समाज के ही लोग हैं, कहीं दूसरे जगह से आए नहीं हैं, तो इनको जो एक समझिए आराम की मुद्रा में चले जाते हैं या जिम्मेदारी से हटने का, जिम्मेदारी ना गंभीरता होना सबसे पहली जरूरी है। कबर के आपके ही घर के आस पड़ोस के लेका मन है जीवन जाते और परीक्षा देवाते, तो मेहनत के मान होना चाहिए और व्यापम ऊपर सवाल खड़े हुए व्यापम ला जरूर एक फैसला ये मामला में लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े पर। आज चर्चा हुई है टीटी परीक्षा पर, देखथन कि आगू व्यापम का करते, लेकिन सवाल है 400 लेका मन के आगू, जिकर मन के भविष्य अभी भी अधर महावय। बहुत धन्यवाद, देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।